हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम जो चैप्टर करेंगे ट्रिक्स के थ्रू, वो है आपका मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि एक हिसाब से रटने वाला चैप्टर है, तो उसमें ट्रिक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो हम इसकी शुरुआत कहाँ से शुरू करेंगे? शुरुआत में इसमें बात की गई है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी जो इससे कौन कौन से प्लांट बनाए गए हैं, वेजिटेबल प्लांट, उसकी जो ट्रिक है वो है आपकी क्या? प्लांट्स थ्रू हाइड्रोपोनिक्स, मतलब इसमें क्या क्या है कि कौन से ऐसे वेजिटेबल प्लांट है जिनका प्रोडक्शन हो चुका है, वो मतलब हुआ है सक्सेसफुली हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा। तो उसकी आपकी ट्रिक है टेस्ला। तो टेस्ला का क्या हो जाएगा आपका? टेस्ला से आ जाएगा टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, लास्ट में लेटिस। तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि कौन से ऐसे वेजिटेबल प्लांट हैं जिनको सक्सेसफुली हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन किया गया है, तो आपका ये हो गया। दूसरी चीज़ है, इसमें एक है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, कि एसेंशियल एलिमेंट आप किसे मानेंगे। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की जो ट्रिक है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आपको, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो है एग्जाम में आ जाएगा कौन सा क्राइटेरिया होता है, क्या होता है, तो उसके लिए आपकी ट्रिक जो है बहुत हेल्पफुल होगी। क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, इसकी जो आपकी ट्रिक है GRS डायरेक्टली। क्या हो गया? GRS डायरेक्टली। तो GRS डायरेक्टली में क्या हो जाएगा? ऐसे एलिमेंट जो नेसेसरी हों किसमें? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में। पहली क्राइटेरिया ये हो गया आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दूसरी क्या है कि वो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि उनकी जगह कोई दूसरा नहीं है। अगर उन्हीं की नीड है तो उन्हीं की नीड है, उस एलिमेंट के अलावा उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट नहीं यूज कर सकते। तीसरी क्या है? तीसरी है डायरेक्टली। डायरेक्टली से क्या हो जाएगा? डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, जो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व करें। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका स्टार बना लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है। तो क्या हो जाएगा? GRS डायरेक्टली, और उसका जो प्लांट्स होगा क्या हो जाएगा? टेस्ला टेक्निक आपकी हो जाएगी। अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं क्या जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में, जो एलिमेंट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड बांटा गया है, एक मैक्रो एक माइक्रो। तो मैक्रो की बात करते हैं, जो मैक्रो हैं आपके उनकी ट्रिक की बात करते हैं। तो मैक्रो की जो ट्रिक है, चलते हैं उस पर। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो ट्रिक है आपकी वो क्या है? कॉर्न पी के मग से चार। क्या है? कॉर्न पी के मग से चार। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा कार्बन, एस से हो जाएगा हाइड्रोजन, ओ से हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, पी से आपका फास्फोरस, के से आपका पोटेशियम, एम जी से होगा मैग्नीशियम, एस से हो जाएगा सल्फर, और सी से क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तो क्या हो जाएगा? ये कॉर्न पी के मग से
अच्छा है, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट की टेक्निक्स को लाएंगे। तो ये अगर आपको याद है तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, और अगर आपको ये याद है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता तो आपका काम चल जाएगा कि इसमें कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो देंगे क्वेश्चन में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो माइक्रो हैं या माइक्रो नहीं है। तो ये अगर इतना याद है तो आपको अगर जो इसमें है वो माइक्रो है, जो नहीं है वो नहीं है, वो माइक्रो हो जाएंगे आपके। लेकिन चलिए उसकी भी ट्रिक बताते हैं आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया कोई माइक्रो का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होगी। तो क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की ट्रिक क्या है, इसको इस ट्रिक है फिर मन को मजा नहीं बोर कर दिया। तो क्या हुआ, फिर मन को मजा नहीं बोर कर दिया, मतलब कहीं गए थे एंजॉय करने के लिए लेकिन मजा नहीं आया, जो मन है वो बोर हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, फिर से क्या हो जाएगा आपका आयरन, मन से क्या हो जाएगा आपका मैग्नीज, को से क्या हो जाएगा आपका कॉपर, यमी से क्या होता है, मा से क्या हो जाएगा यम, जा से क्या हो जाएगा जठर, नई से क्या हो जाएगा एनआई जो कि निकल हो गया आपका, बोर से क्या हो जाएगा बोरान, और कर दिया से क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट ट्रिक क्या हो जाएगी, फिर मन को मजा नहीं बोर कर दिया। अब इसके आगे बढ़ते, इसके आगे हम बात किसकी करेंगे, इसके आगे हम बात करेंगे जो आपके बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं, जो बेनिफिशियल एलिमेंट हैं एलिमेंट कर लीजिए या मिनरल्स कर लीजिए। तो इसकी ट्रिक क्या है आपकी, नासी को से बेनिफिट लो, किससे बेनिफिट लो बेटा, नासिकों से। तो क्या हो जाएगा आपका, सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट सेलेनियम, और बेनिफिट से क्या हो जाएगा बेनिफिशियल एलिमेंट। क्या हो जाएगा आपके बेनिफिशियल एलिमेंट की ट्रिक, नासिकों से बेनिफिट लो, किससे बेनिफिट लो, नासिकों से बेनिफिट लो। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि रोल क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट का और मैक्रो न्यूट्रिएंट का। तो क्या हम बात करेंगे, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसकी ट्रिक है बस कि ये इनके जो रोल हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर एनसीईआरटी में दिया हो तो अगर एक ट्रिक हो जाएगी तो उससे बड़ा आसान हो जाएगा याद करने में। तो इसके ट्रिक क्या है, पोएम ब्यूटीफुल इंटरटेनमेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, पोएम ब्यूटीफुल इंटरटेनमेंट, जो कविताएं होती हैं पोएम होती हैं बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट होती है, सुंदर इंटरटेनमेंट होती है, उन्हीं के ऊपर है पोएम ब्यूटीफुल इंटरटेनमेंट। तो ये क्या, पी से क्या हो जाएगा परमियाबिलिटी, क्या होता है परमियाबिलिटी, असल में ब्रेमिन का फंक्शन होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल, ये मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल। फिर उसके बाद ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद आप बात करेंगे तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे, ब्यूटीफुल से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बफरिंग एक्शन होता है इनका,
और फिर आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, जाइमेटिक एक्टिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी पोयम ब्यूटीफुल एंटरटेनमेंट। अब इसमें आपको चार फंक्शन दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कौन ऐसा फंक्शन है जो माइक्रो या माइक्रोन्यूट्रेंट की रोल नहीं प्ले करते, माइक्रो माइक्रोन्यूट्रेंट उसमें, या दूसरा पूछ लेंगे कि आपको सारे दे देंगे फिर उसमें पूछेंगे कौन ऐसा है जो माइक्रोन्यूट्रेंट और माइक्रोन्यूट्रेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है आपके लिए इंपॉर्टेंट, और ये तैयार हो जाएगा क्योंकि इसमें वैसे पढ़ने में तो उतना याद नहीं हो पाता, लेकिन ट्रिक के द्वारा आप याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी उसकी ट्रिक, क्या हो गई थी, पोयम ब्यूटीफुल एंटरटेनमेंट। अब कुछ डिजीजेज दी गई हैं आपने कि जो डिजीज है कैसे, अगर किसी भी मिनरल की न्यूट्रेंट की अगर डिफिशियंसी होगी तो कौन कौन से डिजीज होंगे, उनके ट्रिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है क्लोरोसिस, उन्होंने क्लोरोसिस दिया है। तो क्लोरोसिस में क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है जिससे एलोइंग ऑफ लीव्स हो जाता है। तो किन मिनरल्स का डिफिशियंसी कारण होता है, तो उसकी ट्रिक क्या है, एन के सिंह मांगे मोबाइल मंजन फेर कर, क्या हो जाएगा मंजन फेर कर। तो क्या हो जाएगा, एन के सिंह मांगे मोबाइल मंजन फेर के, तो इससे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, ये हो जाएगा आपका क्या पोटेशियम, ये क्या हो जाएगा आपका सल्फर, मांगे से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, एमओ से क्या हो जाएगा मोलिब्डेनम, एमएन से क्या हो जाएगा मैग्नीज, जेडन से क्या हो जाएगा जिंक, और हेकर से क्या हो जाएगा आयरन। क्या हो जाएगा, एनके सिंह मांगे मोबाइल मंजन फेंक के, एनके सिंह क्या कर रहे हैं मोबाइल मांग रहे हैं मंजन फेंक के। फिर इसके बाद अगली जो आपकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज है उसकी, उस पर चलते हैं। तो कौन सी है आपकी, वो है नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, डेथ ऑफ टिश्यू होता है चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल हो। और इसमें जो बात करेंगे वो नेक्रोसिस डेथ ऑफ, मेनली जो बात करेंगे वो लीफ टिश्यू की बात करेंगे। तो ये किससे होता है, तो इसकी ट्रिक है क्यों काका मांगे, क्यों काका मांगे, क्यों काका हो जाएगा सीयू पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये ट्रिक आपके हो गया, हो गई क्यों काका मांगे। इसके बाद अगले पे चलते हैं, अगली क्या है, अब ऐसे एलिमेंट या मिनरल्स जिनकी डिफिशियंसी के कारण इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन रुक जाता है। चलिए इनकी बात करते हैं, तो इसकी क्या जो ट्रिक है आपकी, वो है एन के सिंह मोबाइल, एन के सिंह मोबाइल, तो उसमें क्या हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा नाइट्रोजन पोटेशियम, सिंह से सल्फर, और आपका एमओ से मोलिब्डेनम। तो क्या हो जाएगा, एन के सिंह मोबाइल, एन के सिंह मोबाइल। पहले क्या कर रहे थे, एन के सिंह पहले मोबाइल मांग रहे थे मंजन फेंक के, फिर अब क्या कर रहे हैं, अब मोबाइल उनके पास आ गया, तो एनके सिंह का मोबाइल उनके पास है, तो एनके सिंह मोबाइल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, लास्ट जो आपकी डिफिशियंसी सिम्टम्स के द्वारा जो डिजीज है वो क्या है, आपकी डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग के किससे हो जाएगा, दो चीज याद कर सकते हैं,
मोशन जानते हैं, फिजिक्स पढ़ते होंगे तो मोशन तो पता ही होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड मोशन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए क्या ट्रिक हो जाएगी इसके डिलीट प्रॉब्लम की, मोशन। जब भी कभी डिलीट प्रॉब्लम का हो तो क्या आप ट्रिक आ सकेंगे, मोशन क्या हो जाएगा, यमो मोलिब्डेनम सल्फर और क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। तो क्या क्या हो गया ट्रिक, क्लोरोसिस किससे हो गई थी, एनके सिंह मांग रहे थे मोबाइल मंजन फेंक कर, फिर क्या हो गया नेक्रोसिस किससे हो रही थी, डेथ ऑफ टिश्यू जिसमें होता है उसमें क्या था क्यों काका मांगे, फिर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन क्या हुआ था कि एनके सिंह के पास मोबाइल आ गया था, तो एनके सिंह मोबाइल, फिर डिली इन फ्लावरिंग किसके द्वारा हो जाएगा, उसके लिए फिजिक्स के पास जाना पड़ेगा जिसके लिए ट्रिक है मौसम। तो ये आप इतने सारे हो गए, आई होप ये ट्रिक्स की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। बच्चों इसी तरह पढ़ते रहिए और ट्रिक्स अपनाते रहिए, इससे आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी, क्योंकि ये जो एलिमेंट है एक एक एलिमेंट याद करना बिना ट्रिक के पॉसिबल ही नहीं है, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे और यहाँ अगर नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि उन मिस्टेक हो ही जाएगी, इसलिए इसको पूरा तैयार कर लीजिए, फिर हम अगली ट्रिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी रेगुलर अपडेट हो आपको मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।